बुलाकर और उस पर सहमति बनाई गई। दस्तूर साज अफराद में से सिर्फ हजरत मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ना इत्तेफाकी का इजहार किया और उन्होंने ये लिखा कि ये दस्तूर हमारे इतने बड़े मुल्क के सभी तबके और सभी मजहब का ख्याल रखने के लिए काफी नहीं है, बल्कि ये बज़ाहिर अंग्रेजों वाला ही दस्तूर थोड़ी सी तरमीम के साथ मुरतब किया गया है। बहरहाल हाउस को हाउस की जानिब से इत्तेफाक राय हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का सबसे पहला यौम जम्हूरिया मनाया गया। जम्हूरियत का मतलब होता है अवामी हुकूमत, यानी आवाम जिसको चाहे अपने वोट की ताकत से हाकिम बनाए, अपना सरबराह बनाए। जम्हूरियत के अंदर खास तौर पे चार सुतून, चार खंभे और चार पिलर होते हैं। उनमें से एक पहला पिलर होता है इंतजामिया का, डीसी वगैरह जो उसी खंभे से और उसी सुतून से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा सुतून और दूसरा पिलर होता है अदलिया का, यानी हमारी अदालत, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अदलिया ये जम्हूरियत का दूसरा सुतून होता है। तीसरा सुतून होता है पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा के एमपी और लोकसभा के एमपी, जिनको कुछ मुंतखब ओहदेदार वोट देकर मुंतखब करते हैं। राज्यसभा के एमपी को और लोकसभा के एमपी के लिए
हर वो शख्स वोट देने का इख्तियार रखता है जिसकी उम्र हमारे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक 18 साल हो चुकी है। और चौथा और आखिरी सुतून और पिलर माना जाता है ज़राए इबलाग यानी मीडिया। मीडिया ये जम्हूरियत का आखिरी और चौथा सुतून समझा जाता है। चार खंभे और चार पिलर पर हमारे मुल्क के आईन की बुनियाद है और हमारा मुल्क इन चार पिलर के बुनियाद पर दुनिया का सबसे बड़ा जम्हूरियत और सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र कहलाता है। अजीज तलबाए किराम, हम में से साल हजरात हैं जिन्होंने 30, 40, 50 यौम जम्हूरिया को देखा होगा। आप में से अक्सरों ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी इतने यौम जम्हूरिया नहीं देखे। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जब यौम जम्हूरिया हुआ था तो वाकईतन उस वक्त की खुशी और आज की खुशी में काफी फर्क मुसलमानों के चेहरों पर नजर आता है। इसकी असल वजह दर हकीकत यह है कि जिन चार सुतून पर जम्हूरियत की बका है आज गहराई और गहराई से नजर रखने वाले जानते हैं कि वो चारों सुतून आहिस्ते आहिस्ते वो कमजोर से कमजोर कर होता जा रहा है। इसलिए कि ये मुल्क किसी खास तबके का, किसी खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले का नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गुलस्ता है जहां रंग बिरंग के फूल हैं और इसी हमारंगी के अंदर हमारे इस मुल्क की खूबसूरती भी है। अजीज तालिबे इल्म ने अभी आप हजरात के सामने तकरीर करते हुए ये कहा कि इस मुल्क में जब अंग्रेजों की हुकूमत का नापाक साया पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज पूरे मुल्क पर काबिज हुआ 1601 से लेकर 1947 के 14 अगस्त तक गोया कि यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत रही। उस दौरान इब्तदाई मरहले में खास तौर पर इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने की अगर किसी ने भरपूर कोशिश और अपनी जान को हथेली पर रखकर आजादी हासिल करने की कोशिश की तो वो यकीनन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। बाद में चलकर दूसरी कौमें भी साथ हुई और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राह रो आता गया काफिला बनता गया। एक बड़ा काफिला तैयार हुआ और एक वक्त आया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर दोनों भाइयों ने खास तौर पे करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी को मैदान अमल में लाया और उनकी सरबराही में फिर आजादी की जंगें लड़ी गई। एक वक्त आया मेरे अजीज तलबा, वो करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी उनकी जान की हिफाजत करने वाला, तारीख हमें बताती है कि वो एक मुसलमान ही था। जब चंपारण का सत्याग्रह शुरू हुआ था तो वहां से गांधी जी ने अपनी एक तहरीक की इज्जत की। गांधी जी को खाना बनाकर देने वाला एक शख्स था जिनका नाम तारीख की किताबों में मिलता है, बटक मियां। वो खाना बनाकर दिया करते थे। अंग्रेजों ने बटक मियां को गर्दमाल किया एक तरह से और ये कहा कि गांधी जी के खाने में तुमको जहर मिलाना पड़ेगा ताकि न रहे बात न बजे बासुरी। गांधी जी का खात्मा हो जाता है, हमारी हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी। बटक मियां अंसारी ने इब्तदाअन इनकार किया। इनकार का खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि अगले दिन उनके एक लड़के का सर एक हटकेस में बंद करके बटक मियां अंसारी की खिदमत में पेश किया गया और ये कहा गया कि अगर तुमने गांधी जी के खाने में जहर नहीं मिलाया तो एक एक कर
करके तुम्हारे खानदान का खात्मा कर दिया जाएगा। एक तरफ खानदान, दूसरी तरफ मुल्क, क्या करता? फिर आखिर उन्होंने खाने में जहर मिलाया। अजीज तलबा ध्यान से सुनो, खाने में जहर मिलाया। गांधी जी जब खाने पर बैठते हैं, लुकमा हाथ से उठाकर मुंह तक लाते हैं, पटक मियां ने जोर से हाथ मारा और गांधी जी के हाथ से खाना जमीन पर गिर गया। गांधी जी गुस्से में आ गए कि अब तुमने क्या किया। उन्होंने हकीकत गांधी जी के सामने बयान की, अपने खानदान को वतन के नाम पर कुर्बान करना पसंद कर लिया, लेकिन मुसलमान था, गद्दारी को उन्होंने पसंद नहीं किया। यह है मुसलमान और हमें इस्लाम इस कदर से देता है। अशफाकुल्ला खान का वाकया आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था, अंग्रेज जालिम ने कहा कि तुम्हारी आखिरी अगर कोई तमन्ना और आरजू है तो तुम उसको जाहिर कर दो। अशफाकुल्ला खान ने कहा था, नहीं आरजू है तेरी, है आरजू तो यह है, लाकर के कोई रख दे खाके वतन कफन में। मेरी कोई तमन्ना नहीं, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया और जिस धरती पर मैं पला बढ़ा, जिस धरती का अनाज मैंने खाया, अगर इस धरती को गुलामी की हालत में छोड़कर मैं दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यही रहेगी कि उस धरती की थोड़ी सी मिट्टी मेरे कफन में रख दिया जाए, ताकि कयामत के दिन में अल्लाह को कह सकूं, ऐ अल्लाह, मैंने अपना मुल्क अंग्रेजों से आजाद कराने में कामयाबी नहीं हासिल कर सका था, लेकिन मैं मुल्क की मिट्टी ने कफन में लेकर आपके दरबार में आया हूं। अजीज तलबा, शेख इस्लाम शेख हिंद का हम और आप नाम लेते हैं, माल्टा की जेल में बंद किया गया, तकरीबन 4 साल तक कैद में रहे। उस दौरान शेख इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के 18 अफराद का इंतकाल हुआ। 19वें फर्द के इंतकाल की जब खबर आती है तो वो खत लिखते हैं और अपने आप को अपने खानदान के बाकी लोगों को तसल्ली देकर कहते हैं, मसाइब में उलझ उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। ये शेख इस्लाम रहमतुल्लाह खिलाफत कॉन्फ्रेंस के लिए कराची के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, तकरीबन 9 लाख का मजमा है। लोग मना करते हैं, अंग्रेजों की तरफ से यह आर्डर था कि अगर शेख इस्लाम प्रोग्राम में आए तो इन पर शुरू कर दिया जाए। अंग्रेज जालिम फौज अपने बंदूक में गोली लेकर तैयार है। शेख इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह बगल में कफन दबा कर आए और उन्होंने ये शेर कहा था, ये फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की गुर्बत का खिलौना समझ कर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। हजरत शेख इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को आजादी के बाद अवार्ड दिया जा रहा था, एक तमगा दिया जा रहा था, गालिबन पद्म भूषण का या भारत रत्न का अवार्ड दिया जा रहा था। हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक शेख हदीस दारुल देवबंद ने दौरान दर्श ये फरमाया था, शेख इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहकर उस अवार्ड को ठुकराया कि मैंने जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, मेरा ख्वाब और मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मैं अवार्ड लेकर क्या करूं। हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त ये कहा था कि शेख इस्लाम ने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, मेरे अजीज तलबा, मेरे अजीज बच्चों, तुम हिंदुस्तान को वो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करो जहां हर फर्द को आजादी मिले, मजहब की आजादी मिले, बात करने की आजादी मिले, चलने फिरने की आजादी मिले, हर तरह की आजादी मिले। हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आगे ये फरमाया था कि हमने और उनके शागिर्दों ने अगरचे इस मुल्क के अंदर वो बहार और इस मुल्क को उस मकाम पर पहुंचाने में अभी नहीं हासिल की, लेकिन मेरे अजीज तलबा, ये मुल्क के लोगों वाले हैं, आइंदा आने वाली नस्ल के हवाले हैं, तुम लोग इस मुल्क के साथ गद्दारी और बेवफाई नहीं बल्कि हमेशा वफादारी के साथ इस मुल्क में रहना है, और इस मुल्क को जैसे माजी में ये सोने का चिड़िया था उस
उसी तरह से सोने का चिड़िया बनाना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह रांची के जेल में है, उनकी अहलिया के इंतकाल की खबर जाती है, अंग्रेज ने कहा कि 3 दिन की आपको फांसी दी जा रही है। उसी खत के पृष्ठ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मुझे अपनी बीवी के जनाजे में शिरकत के लिए अंग्रेजों की जानिब से 3 दिन की रुख्सत का नजराना नहीं चाहिए। मेरी बीवी दुनिया से चली गई, मैं भी चला जाऊंगा और इंशाअल्लाह कयामत के दिन मैं अपनी बीवी से मुलाकात कर लूंगा, लेकिन मैं अंग्रेजों का एहसान अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। यह हमारे अकाबिर की बहुत मुख्तसर हजार लाख हिस्से में से शायद एक हिस्सा भी ना हो सके। वक्त इसकी इजाजत और गुंजाइश नहीं दे रहा है कि आप हजरात के सामने तारीख हिंद और खास तौर पे आजादी हिंद की तारीख को दोहराया जाए। मेरे अजीज बच्चों, हिंदुस्तान को आजादी तो मिल गई, आजादी मिलने के बाद हम मुसलमानों की सूरत हाल इस मुल्क में क्या है इसको बयान करने की जरूरत नहीं, और किसी शायर ने इसको बड़े ही शौक अंदाज में बयान किया कि यूं मिले हमसे वतन के लोग आजादी के बाद, यूं मिले हमसे वतन के लोग आजादी के बाद जैसे कोई बाप अपनी दूसरी शादी के बाद। कोई दूसरी शादी कर लेता है तो पहली बीवी के बच्चों को आम तौर पे नजरअंदाज कर देता है। इस मुल्क को सवारने में मुसलमानों ने जिस खून पसीने को एक किया था, जब ये मुल्क आजाद हुआ तो एक कौम और एक तबका आज तमाम हुकूक के अंदर मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अल्लाह के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस मुल्क को आबाद रखे, शादाब रखे, इस मुल्क को हर तरह की तरक्यात से नवाजे, और जो लोग यहाँ हुकूमत कर रहे हैं हर कदम पर उन्हें मुल्क के एक एक फर्द के साथ मुकम्मल तौर पर इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। जब ना इंसाफी के लिए वो कदम उठाए, अल्लाह ताला उसके हाथ को शल कर दे और ना इंसाफी के लिए कलम को चलना न दे। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।